रहे हैं गुड़म्मा मतलब आम की चाशनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, यह हमने पैन में आधा कप ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए 1 चम्मच अदरक लहसुन। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अभी थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। हमने 2.5 किलो जो है आम अच्छी तरह से छील कर काट कर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, बॉईल कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 किलो आम जो हमने बॉईल करके रखे हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिए आम बॉईल किए हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्च, क्योंकि ये बहुत तेज होता है, इस वजह से हम इसे कम यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 किलो गुड़। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो गुड़ खुद ही पिघलने लगता है, बस हल्का हल्का मिक्स करेंगे। थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करके हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा जो आम है वो भी अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच भुना जीरा और 2 खाने के चम्मच कलौंजी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लीजिए हमारी चाशनी गुड़म्मा तैयार है, अब हम इसे बोल में सर्व करेंगे। हमने इसे बोल में सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट हाउ इज़ द रेसिपी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।